हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस बार रमनी महाजन पठानकोट से आज आप सबके साथ अपना एक बहुत ही प्यारा दिव्य अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, जो मुझे बहुत ही प्यारा है और मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ सितंबर 2020 को अपनी एक फ्रेंड कोमल शर्मा जी के माध्यम से जुड़ी थी। मेरे दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है, और हस्बैंड बिजनेसमैन है और पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है। फ्रेंड्स, मेरे मन में भी बहुत डिज़ायर थी कि मैं भी तुलसी की कंठी धारण करूं, और ये मेरी कंठी मेरे लिए कौन लाए? मेरे मेंटर्स, मेरी रेणु दीदी वृंदावन धाम से लाए। फिर एक दिन वो मेरे घर में आते हैं वृंदावन धाम यात्रा जाने के लिए, और हमारे यहाँ पर बिहारी जी के दर्शन करते हैं, और अगले दिन वो वृंदावन धाम यात्रा के लिए चले जाते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरे मन में डिज़ायर थी ना कि मैं रेणु दीदी को बोल पाऊँ कि दीदी आप मेरे लिए वृंदावन धाम से ना तुलसी की कंठी लेकर आना, मैं बोल ही नहीं पाई। मेरे मन के भाव, मेरी मन की जो इच्छा थी वो मेरे मन में ही रह गई। कुछ महीनों के बाद दोबारा से रेणु दीदी का पठानकोट आना हुआ, और उन्होंने मुझे प्रसादी दी। प्रसाद रूप में उन्होंने मुझे वृंदावन धाम से ये तुलसी की कंठी दी और कहा कि ये मैं तेरे लिए वहाँ से लाई हूँ। फ्रेंड्स, उस दिन तो मेरा रोना ही निकल गया कि कैसे प्रभु ने मेरी मन की डिज़ायर को, मेरी इच्छा को, मेरी प्यारी रेणु दीदी के माध्यम से पूरा किया। उस दिन मुझे मेरी हरी जी की कृपा के साक्षात दर्शन हुए। अंत में मैं यही कहूँगी, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन ही प्रभु आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।